अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है एडसॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। एडसॉर्प्शन होती क्या है? ठीक है, तो एडसॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, उसको हम बोलते हैं एडसॉर्प्शन। कि ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर क्या हो कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की सरफस के ऊपर, सतह के ऊपर जुड़ जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन। ठीक है, अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो इसकी मिसाल होती है TLC। TLC का मतलब होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसी तरह अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द फिनोमिना इन विच वन सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब बाय द सरफस ऑफ अदर सब्सटेंस। कि ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर क्या होता है कि एक सरफस दूसरी चीज़ को अपने ऊपर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर हम उसकी मिसाल की बात करें तो उसकी मिसाल है इंक ऑन द पेज। कि जो इंक होती है पेज उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन की मिसाल। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब नहीं होती बल्कि उसकी सरफस के साथ क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। तो इसके बाद है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो आइसोथर्म आपने FSC के अंदर भी पढ़ा होगा। अगर हम उसकी पहले बात कर लें तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि